दोस्तों, क्या हो अगर भारतीय रुपए की वैल्यू डॉलर के बराबर कर दी जाए? अगर ऐसा होता है तो इसके फायदे भी हैं और फायदे से ज्यादा कई नुकसान भी हैं। दोस्तों, फायदा ये है कि आप सब महंगी से महंगी कंट्रीज में आराम से कम पैसे खर्च करके घूम पाओगे। जैसे मान लिया कि एक रुपया एक डॉलर के बराबर हो गया है, तो आपको अमेरिका में एक डॉलर की चीज के लिए 75 रुपया नहीं बल्कि एक रुपया ही देना पड़ेगा। और दोस्तों, रुपए की वैल्यू बढ़ने से नुकसान यह है कि भारत देश में बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में लेबर बहुत सस्ता है और रुपए की वैल्यू बढ़ने से मजदूरों को पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा। मान लो कि भारत में एक मजदूर एक दिन काम करने के लिए 300 रुपए लेता है, तो विदेशी कंपनियों को मजदूरों को लगभग 4 डॉलर देना पड़ता है। और जब रुपए और डॉलर की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो उस कंपनी को मजदूर को 300 डॉलर देने पड़ेंगे, और जो भारत सरकार विदेशी कंपनियों से टैक्स लेती है वो टैक्स भी बढ़ जाएगा। इसलिए विदेशी कंपनियों का कोई इन्वेस्टमेंट भारत देश में नहीं आएगा और हमारी इकोनॉमी चौपट हो जाएगी। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।